नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बहुत पहले मैं एक एपिसोड चला रहा था संडे सवाल, उसको हमने बंद कर दिया था किसी कारणवश, लेकिन अब उसको हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनके पास बहुत सारा डाउट्स होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप लोग डायरेक्टली नहीं पूछ पाते, जो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। और आज से फिर से इस सवाल को हम शुरू कर रहे हैं, मतलब संडे सवाल एपिसोड को शुरू कर रहे हैं। ये 35वां संडे सवाल एपिसोड है। इससे पहले 34 एपिसोड में बना चुका हूं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर वहां पर देख लीजिएगा। अगर आप इस एपिसोड में अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम के साथ आपका प्रश्न हम इस एपिसोड में बताएं, तो आपको इस फॉर्मेट में कमेंट करना होगा। सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड स्टेट कौन सा है आपका, और आपका सवाल क्या है। ये तीन चीज़ें अवेलेबल होगा तभी आपका सवाल हम इस एपिसोड में लाएंगे। मतलब सबसे पहले अपना नाम, राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और आपका ट्रेड क्या। इसके बाद नीचे आप सवाल इस तरह से लिखेंगे तो मैं आपके सवाल को इस एपिसोड में लाकर आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, आज का जो पहला सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, संजय जी पूछे हैं, ट्रेड फिटर है और ये यूपी से हैं। इन्होंने पूछा है कि सर, प्राइवेट अप्रेंटिसशिप किया हूँ मारुति सुजुकी से, तो क्या मुझे गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप वाले जितने भी वैकेंसी आती है उसमें छूट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। इनका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि अगर आपने प्राइवेट किसी भी संस्थान से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको गवर्नमेंट में कोई छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी गवर्नमेंट फॉर्म निकाले गए हैं, जितने भी गवर्नमेंट से एग्ज़ाम के फॉर्म निकाले जाते हैं, उसमें क्लियर मेंशन होता है कि आप जहाँ से अप्रेंटिसशिप किए वहीं पे उसका बेनिफिट दिया जाता है। मतलब अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है तो रेलवे में आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने आईओसीएल में अप्रेंटिसशिप किया है तो आईओसीएल में आपका इसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा सवाल ये है कि आप जहाँ से अप्रेंटिसशिप करेंगे वहीं पर फ़ायदा मिलेगा, तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने का कोई गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको वहाँ पे इसका फ़ायदा मिल सकता है। और कहीं कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं, तो आप अपना अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रीफरेंस मिलने का चांस बनता है, लेकिन उसके लिए अलग से कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा प्रीफरेंस मतलब देने का मतलब ये होता है कि आपको पहले सेलेक्ट कर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सवाल खत्म हुआ। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। सारे एपिसोड में, मतलब जो भी संडे सवाल हम लेकर आते हैं, उसमें 5 सवालों का मैं जवाब देता हूं। तो आप अपना भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना सवाल, अपने नाम, ट्रेड और अपने जगह के साथ, ठीक है। दूसरा सवाल है, मनोज कुमार जी हैं, इन्होंने ये झारखंड से हैं और फिटर ट्रेड है इनका। इन्होंने पूछा है कि सर, अगर कोई 10th+ ITI किया है या किसी ने 12th+ ITI किया है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो देखिए, मनोज कुमार जी और भी बच्चे हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है कि सर, मैंने ITI किया 10वीं के बाद, कोई बोलता है कि हमने 12वीं के बाद ITI किया है। तो यहाँ पे सबसे जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है वो आपको मैं क्लियर करता हूँ कि जो ITI होता है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, मतलब 10वीं के बाद ही ITI होता है। 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या PhD के बाद ITI कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको 10th का भी सर्टिफिकेट वहां पे देना पड़ता है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। तो दोनों का वैल्यू देखा जाए तो दोनों का वैल्यू सेम है, 12th से करें या आप 10वीं के बाद ITI करें, दोनों का वैल्यू सेम है। लेकिन अगर आप इसरो में, DRDO में, NPCIL में, BARC में इत्यादि में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर 12th पास आपसे मांगा जाता है क्वालिफिकेशन, मतलब 12th पास प्लस ITI होना चाहिए। साइंस से 12th पास, ऐसे नहीं कॉमर्स और आर्ट्स से नहीं, साइंस से अगर आप 12th पास हैं और ITI किए हैं तब जाकर आप इसरो में, DRDO में, BARC में फॉर्म भर सकते हैं। तो इसरो, DRDO, BARC मतलब PSU के लिए यहाँ पे 12th प्लस ITI वाले बेटर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका एम है कि हम इसरो में जाए, BARC में जाए, DRDO में जाए, तो आपको साइंस से 12th करना होगा। तो सबसे पहले आप ITI करने के लिए, अगर 10वीं पास ITI करना है तो ITI कर लीजिए, उसके बाद 12th कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आजकल तो
ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट आईटीआई के साथ दिया जाता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड नहीं है, वो केवल और केवल एडमिशन के लिए, ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए वो वैलिड है, ठीक है ना। उस ट्वेल्थ वाले सर्टिफिकेट के बेस पे आप इसरो डीआरडी में फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जिसमें जहाँ पे मांगा जाता है ट्वेल्थ प्लस आईटीआई वहाँ पे ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसीलिए दसवीं पास करने के बाद आईटीआई किए, और आईटीआई करने के बाद आपको लगता है कि इसरो डीआरडीओ में जाना है तो ट्वेल्थ भी कर लीजिएगा, ठीक है। आपका सवाल खत्म हुआ, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, तीसरा नंबर, हर्षल राउत, ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने, इनका ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन, इन्होंने पूछा है कि माय क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वाले आईटी कंपनी में जा सकते हैं कि नहीं, जैसे इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज या बहुत सारे कंपनियों का नाम इन्होंने लिखा है, महिंद्रा टेक वगैरह भी। तो सबसे बड़ी सवाल है कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर वाले जो भी ट्रेड वाले बच्चे हैं जिनका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं है, मतलब आईटी सेक्टर से कोई जुड़ाव नहीं है, उनको इन कंपनियों में एज ए टेक्नीशियन नौकरी मिल सकता है, लेकिन उनके अपने ट्रेड से रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि आप इन कंपनियों में नहीं जा सकते हैं। अगर जाते भी हैं, अगर सीटें निकाली भी जाती है, तो आपको मेंटेनेंस के लिए रखा जाएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो आप जो इलेक्ट्रिकल उपकरण वहाँ पे लगे हुए हैं उसके मेंटेनेंस के लिए जाएंगे। अगर आप आरएसी के हैं तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर कह सकते हैं, एसी कह सकते हैं, इसके मेंटेनेंस के लिए आप जाएंगे। अगर आप हीटर से हैं तो वहाँ पे जो मैकेनिकल मशीन होगा उसके मेंटेनेंस के लिए जाएंगे, लेकिन कंप्यूटराइज वर्क के लिए आप नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है रमन कुमार का, और ये बाराबंकी यूपी से, इन्होंने पूछा है कि रेलवे प्राइवेट हो रहा है तो क्या रेलवे अप्रेंटिसशिप को भी ग्रुप डी में सरकारी जॉब मिलेगा या क्या नहीं, आने वाले वैकेंसी में रेलवे अप्रेंटिसशिप को सरकारी जॉब मिलेगा या नहीं, ये सारे सवाल इनका है। तो देखिए हम बता देते हैं यहाँ पर इनको कि रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है, बहुत सारे रेलवे के जो पद हैं या बहुत सारे वर्क है जिसको प्राइवेट कंपनियों से कराया जाएगा, लेकिन उन सब में रेलवे ने स्पष्ट किया है कि हमारा जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाला है, जो सेफ्टी वाला काम है, वो गवर्नमेंट सेक्टर का ही रहेगा। मतलब रेलवे ड्राइवर और रेलवे टेक्नीशियन या ग्रुप डी की बात करें, ये सब गवर्नमेंट के ही अंदर में रहेंगे। वैसे में अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ग्रुप डी में जो 20% आपका आरक्षण दिया जाएगा वो बिल्कुल मिलेगा, इसके लिए कोई डाउट नहीं है, आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा है माधुरी कुमारी, इन्हें बिहार से हैं और इनका ट्रेड है ICTSM, सेशन 2020-22 है। इन्होंने पूछा है कि अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, प्लीज बताइए कितना पैसा लगता है। तो देखिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, अप्रेंटिसशिप करने पर आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो ट्रेड है, इस ट्रेड के अप्रेंटिसशिप आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभी आता है। तो अगर आप इस ट्रेड से हैं, ICTSM से हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, कभी अप्रेंटिसशिप आता है तो आप अप्लाई कीजिएगा, अगर आपका अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन होता है तो आपको पैसे मिलेंगे, पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट जो संडे, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सवाल का जवाब हम इस एपिसोड में दूँ और आपके नाम के साथ मैं आपके सवाल क्वेश्चंस का प्रॉपर रिप्लाई करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट करने का जो फॉर्मेट होगा, अपना नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ट्रेड, ये तीन चीज़ें जरूरी है। इसके बाद अपना जो प्रश्न है कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा और इस वीडियो में, संडे सवाल में, आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए वीडियो, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, अभी के लिए थैंक यू सो मच।